नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे तबलीगी जमात के ऊपर, और सऊदी अरेबिया ने जो तबलीगी जमात के ऊपर बैन लगाया है उससे पूरे मुस्लिम जगत में खलबली मच गई है। तो इन सब विषयों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा क्यों किया और इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले समय पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया बैंस तबलीगी जमात, कॉल्स इट गेट ऑफ टेरर। तो दोस्तों, बहुत ही एक कह सकते हैं कि आक्रामक टिप्पणी की गई है सऊदी अरेबिया द्वारा, और वो भी उस देश द्वारा जिसको बहुत से मुसलमान जो हैं वो अपने फादर के तौर पे लेते हैं कि जो भी कन्वेंशंस होती, जो भी परंपराएं होती हैं, वो उनका पालन जो है वो सऊदी अरेबिया को ही उदाहरण के स्वरूप में मान के करते हैं। तो अब इसके बाद अब वो लोग क्या इसके ऊपर मानेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। और अगर बिल्कुल क्लियर कट लाइन की बात कही जाए तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगले जुमे की नमाज़ यानी फ्राइडे से, नेक्स्ट फ्राइडे से ये कहा गया है कि सभी जो मस्जिदों में जो भी उनके प्रचारक हैं और जो भी जो मस्जिदों में जो प्रेयर कराने का काम करते हैं कि वो अब पर्टिकुलरली सबको बताएं और सबको आगाह करें, सबको चेतावनी जारी करें तबलीगी जमात को लेके, जिसको दावा ग्रुप भी कहा जाता है या अल हबाब ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है तबलीगी जमात को सऊदी में। तो अब इसके ऊपर जाहिर से तौर पे अब टिप्पणी आना भी लाजमी था, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सऊदी अरेबिया ने अगर इसको बैन किया है तो जो पर्टिकुलरली अगर भारत के मुसलमान हैं तो वो भी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि अब जो मुस्लिम बॉडीज़ हैं खासतौर से भारत में, उन्होंने ये कहा है कि जो तबलीगी जमात के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया है सऊदी ने, वो एक अनजस्ट फैसला है, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण फैसला लिया गया है। और इसी के बाद जो है भारत में जो देवबंदी, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप जिसको जान सकते हैं काफ़ी कट्टर माना जाता है इस्लाम को लेके, तो उसने जो है इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी की है और उसने कहा है कि इसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के इस डिसीजन को वेस्टर्न जो कि नेशंस हैं उन्होंने प्रभावित किया है और इसके पीछे वही लोग वजह हैं। और साथ ही साथ इन्होंने सऊदी अरेबिया से ये भी कहा है कि इनको अपने फैसले के ऊपर विचार करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब तबलीगी जमात पे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अक्सर इनको आप लोगों ने देखा होगा, खास तौर से चर्चा में तब आए थे जब कोविड की पहली वेव आई थी भारत में, तो उस दौरान जो है दिल्ली में निजामुद्दीन जो मरकज़ था वहाँ पर इनके इकट्ठा होने की वजह से ये लोग हाईलाइट में आए थे। तब इनको किसी ने सिलेंडर लिए जाते हुए देखा था, किसी ने बैग लेके जाते हुए देखा था, लेकिन आपने कॉमन टेंडेंसी देखी होगी कि ये लोग हमेशा जो है होता है आपको बड़ी बड़ी दाढ़ियों में और कुर्ते पैजामे में और इस तरीके के ये लोग आपको वेशभूषा में दिखेंगे। मतलब इनकी सिमिलैरिटी रहती है इनके पूरे, आप कह सकते हैं इनके कॉस्ट्यूम में, इनके आप पूरे रवैये में देखेंगे, सामान के देखेंगे, तो सारी चीज़ों में इनके बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है, इस तरीके से ग्रुप में चलते हैं। तो अब इनकी हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो देखिए इनकी हिस्ट्री के पीछे अगर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं योगदान रहा है तो कहीं ना कहीं आर्य समाज का रहा है। और आप लोग जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि हिंदुओं की कुछ बुराइयों, जो बुराइयां कुछ व्याप्त हो चुकी थी उनको दूर करना और साथ ही साथ वेदों की ओर हिंदुओं को लौटाना। तो बाकायदा जब उन्होंने ये आंदोलन चलाया तो उसके बाद ये आंदोलन जो है वो आगे चल के फिर से थोड़ा सा डिवाइड हुआ, और इसके बाद इसकी कमान जो है वो आई हाथ में स्वामी श्रद्धानंद के। और जब स्वामी श्रद्धानंद के हाथ में आई तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक शुद्धि आंदोलन चलाया, और जिसके लिए इन्होंने भारतीय शुद्धि समाज 1923 में इसकी स्थापना भी की। तो उस दौरान इन्होंने क्या किया कि बड़े पैमाने पे जो मुसलमान में जो कन्वर्ट हो चुके थे भारतीय हिंदू, उनको क्या किया कि घर वापसी का उनका इंतज़ाम किया, और एक बड़े कहा जाता है बड़ी मात्रा में कहा जाता है कि 1915 के बाद एक बहुत बड़ी संख्या में जो कन्वर्टेड मुसलमान थे वो फिर से जो है हिंदू धर्म में वापसी करने लगे, जिसके बाद कहा जाता है कि जो जमीयत उलेमा है उन्होंने 1923 में मुंबई में एक सभा का आयोजन किया, और उस सभा के आयोजन के बाद जमीयत उलेमा ने एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया, और उसमें इन्होंने स्वामी सिद्धानंद की जो है निंदा की, और साथ ही साथ इन्होंने जो जिस तरीके से ये घर वापसी के लिए जो आंदोलन करा रहे थे उसकी भी निंदा की। तो यहाँ पे एक निंदा प्रस्ताव पास करवाया गया जमीयत उलेमा के द्वारा 1923 में मुंबई में। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक किताब थी जो ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी थी, डाइज इस्लाम, जिसमें इन्होंने बाकायदा पर्टिकुलरली बताया था कि किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट कराया जा सकता है हिंदुओं को। तो उस पर इन्होंने जब किताब लिखी तो ये किताब हाथ लग गई थी उस समय स्वामी श्रद्धानंद के पास में, तो जिसका इन्होंने क्या किया कि
एक फिर से इन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया, और उसका ट्रांसलेशन जब इन्होंने किया तो उसका नाम इन्होंने यहाँ पे साफ साफ दिया था, अलार्म बेल अर्थात खतरे की घंटी। तो स्वामी सिद्धानंद ने इसको लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया कि देखिए किस तरीके से जो है वो अब हिंदुओं को कन्वर्ट करने की मुहिम चलाई जा रही है। और अब इनके जो मुहिम थी ख़ासतौर से स्वामी सिद्धानंद की, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और इससे जो है वो काफ़ी खलबली मच गई थी मुसलमानों में और ख़ासतौर से लाहौर और आसपास की चीज़ों में। तो अब तबलीगी मूवमेंट, फिर यहाँ एक किताब मैं आपको ज़िक्र कर देता हूँ, तबलीगी मूवमेंट जो कि मौलाना वहीदुद्दीन खान ने लिखी थी, जिसको कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इन्होंने बाकायदा इस चीज़ में बताया था कि किस तरीके से जो इन सब चीज़ों की वजह से जो है बाद में तबलीगी जमात की स्थापना की गई। और तबलीगी जमात की स्थापना जैसे 1923 में ये जो स्वामी सिद्धानंद थे इन्होंने अपना भारतीय शुद्धि समाज बनाया था, तो उसी के अब प्रतिकार स्वरूप में जो है 1926 के आसपास में बनाया गया ये तबलीगी जमात, जिसको कि तबलीगी मूवमेंट किताब में भी जाना जा सकता है। और इसकी स्थापना करवाने में जो लोग मेन थे उसमें मौलाना ये आप कह सकते हैं इलियास, इनके जो है ये थे संस्थापक, और इसके बाद जो इनकी कमान है वो मोहम्मद यूनुस के हाथ में चली गई। तो इस वजह से अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो इसकी स्थापना है वो 1926 में स्वामी सिद्धानंद के काउंटर करने के लिए की गई थी, क्योंकि उस समय वो बड़े पैमाने पे जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को जो है वो इस्लाम से दूर ले जाके हिंदू धर्म में वापसी करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की भगदड़ को रोकने के लिए, जो कन्वर्टेड मुसलमान थे उनके हिंदू में वापस भगदड़ को रोकने के लिए तबलीगी जमात की स्थापना उस समय 1926 में की गई। और इसकी पुष्टि अच्छे तरीके से तब हो गई जब 1926 में ही दिसंबर में ही स्वामी सिद्धानंद की एक तबलीगी के द्वारा जिसका नाम था मोहम्मद राशिद, उसने जो है हत्या कर दी। और इस हत्या का तत्कालीन गांधी और किसी भी कांग्रेसी द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया था, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप इसको कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो अब जब इनकी हत्या कर दी गई तो इनका जो मूवमेंट था स्वामी सिद्धानंद का वो मूवमेंट जो है काफ़ी धीमा पड़ गया, और उसके बाद तबलीगी जमात जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। 1926 में स्वामी सिद्धानंद की हत्या करने के बाद 1929 में लाहौर में राजपाल सेंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस व्यापारी वर्ग था, और उनके दोनों मतलब उनके बेटे की और उनकी खुद की हत्या कर दी गई वहाँ लाहौर में, जिसके बाद से हत्याओं का दौर चलता रहा। और कहीं ना कहीं ये तबलीगी जमात जो अभी खड़ा हुआ था वो अपनी मजबूती को पकड़ता चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कोई विरोध करने वाला नहीं था। वैसे अगर इनके दोस्तों अर्थ की बात की जाए तो तबलीगी जमात का मतलब ये होता है कि कुरान और हदीस की बातें जमात तक पहुंचाना, जमात का मतलब हो गया सोसाइटी। तो अब इनका काम ये था कि ये पहुंचाना, लेकिन अब ये माना जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि रेडिकलाइजेशन का काम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पुराने जो कि इस्लाम के तरीके हैं उसकी तरफ लौटने के लिए कहते हैं, जिसमें आप देख ही सकते हैं इनकी जो वेशभूषा होती है, तो पर्टिकुलरली उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो कहा जाता है ना एकदम डाई हार्ड होके उस चीज़ के पीछे फॉलो करना, तो ये उस चीज़ के लिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं, जिसको समझते हुए ही सऊदी ने कहीं ना कहीं जाके अब इनको जो है बैन करने का पूरी तरीके से मन बनाया और इनको बैन भी कर दिया। और साथ ही साथ इनके ऊपर टिप्पणी भी जो की वो यही की कि ये टेरर ऑफ ये गेट ऑफ टेरर हैं, यानी आतंकवाद का ये सीधे सीधे इनको द्वार बताया जहाँ से आतंकवाद की शुरुआत होती है। और ये किसी और ने नहीं कहा, सोचिए सऊदी अरेबिया ने स्वयं कहा है और सऊदी अरेबिया ने बैन किया है। तो अब इसके ऊपर जो है लोग एक्सेप्ट करने के बजाय जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया को रीथिंक करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी को अपना एक तरीके से आका मानने वाले बहुत से मुसलमान हैं, लेकिन अब सऊदी अरेबिया के इस बात को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। ख़ासतौर से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इस बात को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों पाकिस्तान के भी अपने इंटरेस्ट हैं, वो इस्लाम के रेडिकलाइजेशन से उसने अपना अब तक बिजनेस अपने नेशन को चलाया है, तो किस तरीके से अगर वो इसको जो है अब मानेगा। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों सऊदी अरेबिया ने चाहे और भी जो अरब नेशंस हैं वो अब रेडिकल इस्लाम से वो अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि आने वाले समय में जो तेल है वो कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करेगा आने वाले 10 से 15 सालों में इकोनॉमी में। तो जो कोई चीज़ अगर रोल करेगी तो वो होगी ट्रेड और दूसरों के साथ जितने अच्छे आपके रिश्ते होंगे। तो इसी बात को समझते हुए देखिए जैसे यूएई ने क्या कर दिया कि खुले में जो नमाज है उस पर पाबंदी लगा दी और 20,000 रुपये तक का फाइन लगा दिया, लेकिन ऐसा कुछ आप भारत जैसे देशों में नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ तबलीगी जमात पे बैन लगा दिया गया, अगर यही काम अगर भारत में करने की कोशिश की जाए तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और यहाँ तो चर्चा भी नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे डिस्कशन करना भी ऐसी चीज़ों पे बहुत मुश्किल की बात है। तो अब देखना यह है कि सऊदी को अपना
जो है आदर्श मानने वाले जो तमाम जो मुस्लिम देश और जो मुस्लिम उलेमा है वो अब क्या करते हैं इस चीज़ के ऊपर। बाकी आप लोग की जो राय हो इस टॉपिक के ऊपर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।